देखिए, पहला मैच था और अच्छा रहा, हम जीते हैं। हम इंटरनेशनल क्रिकेट पे आप कोई सा भी मैच जीतते हैं तो कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होता है। हम लोग इससे बेहतर कर सकते थे, लेकिन ये था कि शुरू में जिस तरह सीमिंग विकेट थी और जिस तरीके से वो जिस चैनल से बॉल कर रहे थे तो उनको भी क्रेडिट जाता है, पर यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे हर मैच इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, शुरू में वाकई काफ़ी मुश्किल थी, सीम भी हो रहा था, रुक के भी आ रहा था और फिर स्पिनर का भी थोड़ा सा हो रहा था मुश्किल। तो हम लोगों ने यही, जब इमाम आउट हुआ तो बाबर के साथ मेरा यही प्लान था कि हम लोग विकेट ना दें, बेशक रन जितने भी कम हो लेकिन हम लोग 25 ओवर के बाद फिर उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन 25 ओवर तक कोशिश करते हैं कि विकेट ना दें। सर, हमें तो किसी भी टाइम पर नहीं लगा कि मैच हाथ से निकल गया, लेकिन ये कि क्रिकेट है, इसमें आखिरी बॉल तक आप रिलैक्स नहीं हो सकते। तो बिल्कुल, जैसे मैंने शुरू में क्रेडिट उनको दिया है, हॉलैंड की टीम मेरे ख्याल में इसमें बहुत अच्छा खेली है इस मैच में, तो बाकी ये कि मैच तकरीबन हर टाइम हमारे हाथ में रहा। हॉलैंड की टीम बहुत अच्छा खेली है और हम लोगों ने जिस तरीके से शुरू स्टार्ट लिया तो हम लोगों ने 3 उनके जल्दी आउट कर दिए थे, फिर उनकी पार्टनरशिप लगी, ये होता है। और हम लोग अभी 2 ही दिन हुए यहाँ पर आए हुए, तो कंडीशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, इसको हम लोग समझते हैं। और शुरू में जिस तरह आज हम हमें जो विकेट मिली तो हमारी कंडीशन के बिल्कुल अगेंस्ट थी, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट है और अच्छा था कि हमें एक टफ टाइम मिला इस मैच पे। देखें, नसीम शाह बहुत टैलेंटेड बॉलर है और हम लोग यही डिस्कस भी करते हैं अक्सर कि अगर नसीम शाह शाहीन शाह की तरह खुद को कैरी करे बहुत अच्छे तरीके से और अपना ख्याल रखे तो एक सुपरस्टार बनने की उसमें हर तरह का टैलेंट है, लेकिन वो जिस तरीके से आज भी जिस तरीके से उसने बॉलिंग की, तो नसीम शाह तो पाकिस्तान का के लिए एक फ्यूचर स्टार है। और बाकी आगा सलमान एक्सपीरियंस प्लेयर डोमेस्टिक पे हमारे साथ खेलते हैं और जिस तरीके से उसने आखिर में बैटिंग की बहुत अच्छी ज़बरदस्त है, कि जिस तरीके से इससे हमारा अंदाज़ा लगता है कि हमारा बेंच स्ट्रेंथ कितना अच्छा है। थैंक यू।